हेलो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे पास लेट एफ बी ए वेक्टर फील्ड गिवन बाय एफ एक्स वाई जेड बराबर माइनस वाई एक्स प्लस टू एक्स वाई आई प्लस जेड क्यू के फोर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यू। इफ सी इज द कर्व ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एंड वाई प्लस जेड सॉरी वाई प्लस जेड नहीं है, ये हमारे पास एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू जेड, ये है हमारे पास वाई प्लस जेड इक्वल टू टू, सही है फ्रेंड्स, वाई प्लस जेड इक्वल टू टू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इक्वेशन इन ट्रू, इनमें से कौन सा इसके इक्वल होगा, ये ऑप्शन है हमारे पास। फ्रेंड्स, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर निकालने के लिए हम यहां से एफ डॉट डी आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन एफ क्या है हमारे पास माइनस वाई आई प्लस टू एक्स वाई जे प्लस जेड क्यू के के, और डी आर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड जेड के के, ये हो गए हमारे पास। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स का आई वाले के साथ, तो हो जाएगा माइनस वाई ऑफ डी एक्स, इस तरह से डी वाई का जे वाले के साथ जो जे के के साथ कुल मिला के प्लस टू एक्स वाई डी जे प्लस जे सॉरी डी वाई प्लस जेड क्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास डी जेड। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे पास आई डॉट आई बराबर वन होता है और आई डॉट जे बराबर आई डॉट के बराबर जीरो होता है, तो इस फॉर्म की हेल्प से और जे डॉट के इनकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये हो गया हमारे पास। और जब ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, तो यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास y प्लस जेड इक्वल टू टू, इसका हमें इसकी हमें हेल्प करनी लेनी है। तो z बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से z बराबर लिख सकते हैं हम टू माइनस y, z बराबर लिख सकते हैं यहां से। तो यहां से और dz बराबर देखें तो dz बराबर dy, ये हो जाएगा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई, और जेड की जगह टू माइनस वाई प्लस टू माइनस वाई का क्यूब, ये हो गया। और ये हो गया हमारे पास डी वाई, यहां से भी यहां से डी वाई, और इधर का भाई जो डी वाई आया ये कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारे पास। अब फिर हमारे पास ये जो फॉर्म है, ये इस तरह की फॉर्म है हमारे पास इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये इस तरह की फॉर्म है, जहां पे एम बराबर माइनस वाई और एन बराबर ये टर्म। तो अब यहां पे हम ग्रीन थ्योरम लगा सकते हैं। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, ग्रीन थ्योरम कहती है हमारे पास अगर ये कंडीशन हो तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स डी एक्स की फॉर्म में। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, अगर एम देखे तो एम बराबर माइनस वाई, और डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, तो ये हमारे पास माइनस वन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पे होता है डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, तो यहां पे पहले हमें एन का देखना है, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो एन बराबर ये टर्म है हमारे पास, तो एन का इसका हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहां पे सिंपली इस टर्म का होगा ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं पार्शियली, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू वाई, और ये माइनस, और जब इसका करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू वाई तो माइनस वन आएगा, तो माइनस वन प्लस ये हो जाएगा वन, और ये हमारे पास डी एक्स डी वाई, ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई,
ये हो गए हमारे पास। तो ये ग्रीन्स फॉर्म की हेल्प से हमारे पास ये आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये होता है डबल इंटीग्रेशन होता है, डबल इंटीग्रेशन होता है और एस जिसपे हम निकाल रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन, और पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स बराबर टू और वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। तो यहां से अगर पुट करो और यहां से देखें तो आर बराबर क्या है वन, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा। ये हो गया फ्रेंड्स, और ये हमारे पास यहां से प्लस वन, और ये हो गया आर डी आर डी थीटा। तो फ्रेंड्स एक तो ऑप्शन हमारे पास ये था जिसमें लिमिट थी जो आर जो है वो जीरो टू वन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जीरो टू वन एंड थीटा जाएगा जीरो टू टू पाई। इसको हम प्लॉट करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास ये लिमिट आएगी, हमारे पास एक ऑप्शन तो ये था हमारे पास। अब अगर इसको हम आगे हेल्प कर आगे सॉल्व करें तो विद रेस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट कर दे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो टू टू पाई। विद रेस्पेक्ट टू आर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टू साइन थीटा प्लस वन आर स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट है हमारे पास जीरो टू टू पाई, ये हो जाएगा। अब फिर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, सॉरी यहां पे भी टू आर था, जब यहां पे भी आर था तो यहां पे भी आर था टू आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो टू टू पाई। आर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो टू टू पाई, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया तो जीरो टू वन, जीरो टू वन लिमिट अप्लाई रहेगी, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो टू आर क्यूब अपॉन थ्री इसका हो जाएगा साइन थीटा कॉन्स्टेंट करेगा टू आर कर रहे हैं प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू वन और डी थीटा। अब अगर ये लिमिट अप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो टू टू पाई। अब यहां पे अगर वन अप्लाई करेंगे तो टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री साइन थीटा और प्लस वन बाई टू ऑफ डी थीटा। तो फ्रेंड्स ये भी हमारे पास एक ऑप्शन था। तो इस तरह से ये दो ऑप्शन आ चुके हैं। अब चाहे तो हम इसको और इंटीग्रेशन करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फाइनल सॉल्यूशन, लेकिन ऑप्शन तक हमारे पास यही ऑप्शन यही तक सीमित थे, तो हमारा आंसर भी यही तक दे रहे हैं। इसको सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।